वैसे आप लोग, मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तीसरे कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके होंगे कि कोई भी व्यक्ति सेंटर नहीं है और आधार कार्ड ऑनलाइन अपडेट या न्यू आधार क्रिएट कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा न्यू एनरोल और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अपडेट का। तो आपके पास आधार सेंटर नहीं है तो भी आप यहाँ पे यह सारा काम कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि यह काम कैसे करेंगे और इसमें ऊपर कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल का मेंबरशिप भी लेना चाहें तो सिंपल से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है ज्वाइन बटन। सिंपल से आप यहाँ पे क्लिक करके हमारे चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हैं। चैनल का मेंबरशिप लेने से आपको बहुत फायदा है। किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्ट आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं फोन पे। तो आप मेंबरशिप ले या ना ले, फर्स्ट बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इसी तरह का वीडियो लाते रहते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको देखने को मिला इनरोल और अपडेट का काम। तो सिंपल से हम इसमें कैसे काम करेंगे, सबसे पहले तो आपको इस साइट पे आ जाना है। इस साइट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे देंगे। सिंपल से आप वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है इंटर योर मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपको यह क्लियर कर देंगे जो कोई भी व्यक्ति है जो इंडिया से आते हैं या इंडिया के बाहर भी है वह यह काम करना चाहते हैं तो यह काम आराम से कर सकते हैं। तो सिंपल से आपको इस साइट पर आ जाना है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है या आप ईमेल आईडी से भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर एंटर करना है या ईमेल आईडी एंटर करना है, चलिए हम ईमेल आईडी से लॉगिन करते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर नहीं कर रहा है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कैप्चा। सिंपल से आपको यह कैप्चा आपको यहाँ पे एंटर करना है और कैप्चा एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेंड ओटीपी। सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। सिंपल से आपको यहाँ पे ओटीपी का बॉक्स देखने को मिल जाएगा। सिंपल से आपको वो ओटीपी इसमें फिल करना है। और जैसे ही आप ओटीपी फिल करके यहाँ पे सबमिट करेंगे कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट में तो आपको यहाँ पे इनरोल का देखने को मिल जाता है और सेकेंड में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है अपडेट का। तो सिंपल से आपको यहाँ पे इनरोल पे क्लिक करना है। इनरोल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है फॉर्म। सिंपल से आपको यह फॉर्म पूरा फिल करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे नेम इंटर करना है जिनका भी आप आधार कार्ड यहाँ पे बनाना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एज। सिंपल से आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ आप एज में फिल कर सकते हैं लेकिन आपको एज में नहीं फिल करना है। यहाँ पे जब भी आप डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिएगा DMY यानी कि डेट डे डे मंथ और ईयर में आपको ही हमेशा फिल करना है। और DMY में यहाँ पे फिल करने के बाद आपको नीचे देखने को मिल जाएगा जेंडर। सिंपल से आप यहाँ पे जेंडर चूज कर लीजिए, मेल है फीमेल है। सिंपल से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा रेसिडेंट टाइप, रेसिडेंट टाइप में इंडियन है या नॉन इंडियन है। सिंपल से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड देखने को मिल जाएगा। सिंपल से सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। और नेक्स्ट में आपको यहाँ पे दो तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाता है मेरे पास वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ है आधार कार्ड बनाने के लिए, और सेकेंड में आपको देखने को मिल जाता है कि मेरे पास वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट या सेकेंड चूज कर लेना। अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, आप किसी रिलेशनशिप के थ्रू आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यह सेलेक्ट करना है। नहीं तो आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है, सिंपल से आपको यहाँ पे वैलिड डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे फुल एड्रेस देखने को मिल जाएगा। सिंपल से आपको यहाँ पे अपना फुल एड्रेस फिल करना है। और सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है सिलेक्ट। सिलेक्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा CEO। सिंपल से आपको यहाँ पे फादर्स नेम फिल करना है कि किनका आप यहाँ पे आधार कार्ड बनाएंगे। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर शादीशुदा के लिए बना रहे हैं फीमेल के लिए तो उनका आप यहाँ पे हस्बैंड नेम भी फिल कर सकते हैं, फिल कर सकते नहीं मतलब फिल करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल, और अगर शादीशुदा के लिए नहीं फीमेल कोऑर्डिनेट के लिए बना रहे हैं जिनका शादी नहीं हुआ है तो उनका यहाँ पे फादर्स नेम फिल करना। और नेक्स्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है बिल्डिंग अपार्टमेंट नेम। सिंपल से आपको यहाँ पे बिल्डिंग अपार्टमेंट नेम फिल करना। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड फिल करना। पिन कोड फिल करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है स्ट्रीट रोड लेन। सिंपल से आपको स्ट्रीट रोड लेन यहाँ पे फिल करना है। उससे पहले आपको यहाँ पे क्लियर कर दे कि जैसे कि आप यहाँ पे पिन कोड फिल करेंगे यहाँ पे आपका विलेज सिटी टाउन यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आपके यहाँ पे फिल हो जाएगा। सिंपल से आपको यहाँ पे अगर आप
इस विलेज सिटी टाउन से नहीं आते तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीट लाइन फिल करना है कि आप किस गांव से आते हैं और किस एरिया से आते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एरिया लोकेटर और सेक्टर। तो सिंपल से आपको यहाँ पे अपने गाँव का नाम फिर से यहाँ पे फिल कर सकते हैं, या एरिया लोकेटर आपको पता है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है लैंडमार्क। तो आपके आसपास जो फेमस स्थान है उसका नाम फिल कर सकते हैं, या आप अपने नियरेस्ट स्कूल है तो आप उनका भी नेम फिल कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ फिल करना नहीं है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर इंटर है तो इंटर है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नहीं इंटर है तो आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट में आपको यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे पैन कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप बैंक पासबुक, राशन कार्ड जो आप देना चाहें सिंपल से आप यहाँ पे दे सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, बर्थ प्रूफ में आप बर्थ सर्टिफिकेट या एक लेटर आता है उस लेटर को आप कैसे फिलअप करेंगे उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपल से आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। जो हमारा यहाँ पे लेटर यह आता है सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ इशू बाई ग्रुप ए गैरेटेड ऑफिसर ऑन लेटर हेडर, तो यहाँ पे आप यह भी दे सकते हैं। तो उसको कैसे फिल करते हैं उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सिंपल से आप वहाँ पे देख सकते हैं और उसको फिल कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे बिना कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ के भी आप यहाँ पे या आधार कार्ड बना सकते हैं इस लेटर के थ्रू। सिंपल से यह सारा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेवन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है डू यू वांट टू जनरेट एंड डाउनलोड योर स्टैंडर्ड टेम्पलेट, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। अगर आपके पास यहाँ पे या नहीं आता है तो आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे सेवन कंटिन्यू करने के बाद आपको रिव्यू देखने को मिल जाएगा। सिंपल से आपको यहाँ पे जैसे कि हमने आपको बताया कि वह सर्टिफिकेट होता है वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद क्या सर्टिफिकेट आप इशू करवा के अपने विलेज से आप जा सकते हैं सेंटर पे। और आप वहाँ पे वह सर्टिफिकेट सेलेक्ट नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है डायरेक्ट रिव्यू। सिंपल से आपको यहाँ पे रिव्यू देख लेना है। और यहाँ पे आपको लगता है कि हमारा गलत है तो आप यहाँ पे एडिट करके सही भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देखने को मिल जाएगा। सिंपल से डिक्लेयर कीजिए और यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कीजिए। तो जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि वो आधार लेटर होता है तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का लेटर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे यह लेटर वेरीफाई करवा लीजिए, वो उस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं वो कैसे लेटर वेरीफाई करेंगे वो देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको AID नंबर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको रिसिप्ट देखने को मिल जाएगा। सिंपल से आपको सबसे पहले तो आपको यह रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना है। और रिसिप्ट डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह का रिसिप्ट देखने को मिल जाएगा। यह 4 पेज का हमारा रिसिप्ट होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे यह फर्स्ट पेज रिसिप्ट होगा। सिंपल से आपको फर्स्ट पेज रिसिप्ट आपको यहाँ पे प्रिंट आउट निकलवाना है। और फर्स्ट पेज प्रिंट आउट निकलवाने के बाद सेकेंड में आपको क्या काम करना है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है बुक अपॉइंटमेंट। सिंपल से आपको यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेंटर वाइज सर्च करना है। तो सेंटर में आप यहाँ पे सिटी का नाम डालेंगे तो सिंपल से आपको यहाँ पे सारा सेंटर देखने को मिल जाएगा। सिटी का नाम डालिए और गेट डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। गेट डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ समय वेट कर लेना है। और गेट डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जितने भी आपके सिटी में यहाँ पे आधार सेंटर देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि कितने स्लॉट इस मंथ में आपके आधार सेंटर पे अवेलेबल है। तो सिंपल से आपको यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ समय वेट करना है। वेट करने के बाद जितने भी ग्रीन टिक है सिंपल से आपको वहाँ पे वह सारा टाइम यहाँ पे अवेलेबल है। सिंपल से आपको यहाँ पे कोई भी टाइम चूज कर लेना है। और टाइम से 5 मिनट पहले आपको आधार सेंटर पे चले जाना है। जैसे ही आपका टाइम आ जाएगा सिंपल से आपको वहाँ पे आधार कार्ड आपका बना दिया जाएगा। कोई भी आपको यहाँ पे टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। सिंपल से 5 या 10 मिनट के अंदर आपका आधार कार्ड बना के आपको रिसीव दे दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम जानना है कि आधार अपडेट कैसे करेंगे ऑनलाइन, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वह आधार ऑनलाइन अपडेट करेंगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आधार ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। धन्यवाद। और